भारतीय जनता पार्टी मंडल नदौन का किसान सम्मेलन गुग्गा मंदिर लाहड़ा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विधायक विजय अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि को हल भेंट कर सम्मानित किया। विधायक ने प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। विधायक विजय अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार गांव किसानों के लिए समर्पित है। किसान हमेशा से हमारे देश का आधार रहे हैं और केंद्र सरकार ठोस उपायों के जरिए प्रदेश के इस आधार को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई की सुविधाएं सुनिश्चित कर उपज को बढ़ा रही है। वहीं फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल के बर्बाद होने पर उचित मुआवजा मिल रहा है। किसान समूहों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्थायी आधार पर विशिष्ट फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए साइन हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। किसान चैनल के माध्यम से किसानों को फसल संबंधी जानकारी मिल रही है। भाजपा सरकार आने पर किसानों की सभी समस्याओं के हल के लिए प्रयत्न किया जाएगा। इस कार्यक्रम में किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रामपाल सैनी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह राणा, मोर्चा मंडल अध्यक्ष विपिन शर्मा, संजीव पटियाल, सुधीर सिंह इत्यादि मौजूद रहे। जब जब किसी ने भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से जुड़े हुए लोगों ने मुरली मनोहर जोशी ने या जावड़ेकर जी ने उसको ठीक करने की कोशिश की है, तो इस देश के तथाकथित सेक्युलरवादियों ने यह कहने की कोशिश कर दी है कि इसका भगवाकरण किया जा रहा है। तब में हमारी शिक्षा पद्धति ने एक ऐसी फौज खड़ी कर दी कि आज व्यक्ति खेत में जाने से कतराता है, क्योंकि वो सोचता है मैं पढ़ लिख गया हूँ, अब पसीना बहाना मेरा काम नहीं है। हल जो अर्जुनी अनुराग ठाकुर जी के लिए बनाया था वो मुझे भेंट किया। ऐसा ही एक हल एक दिन राजीव गांधी को, राहुल गांधी को किसानों ने भेंट किया। किसानों का सम्मेलन था तो उन्होंने ऐसे पकड़ा और पूछा, बोले ये क्या है? बोले ये हल है। बोले कौन सी समस्या का? आज मैं ये दावा कर सकता हूं कि जिस पार्टी ने इस देश के ऊपर दशकों तक राज किया, सबसे ज्यादा जिसने राज किया, उसके इस तथाकथित युवराज को किसी किराने की दुकान पर आपको खड़ा कर देंगे तो उसको बोलेंगे कि ये कौन कौन सी दाल है बताओ, तो काली और पीली और हरी दाल के सिवाय कुछ जानता नहीं है कि कौन सी मूंग की है, कौन सी चने की है, कौन सी अरहर की है, कौन सी कुल्थ है, कौन क्या है। ये उसको मार्केट करने में बहुत मुश्किल होगी, नहीं कर पाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो काली और पीली दाल जानता है। जिसको ये पता नहीं है कि मिर्च हरी लगती है कि लाल लगती है, कहां लगती है, कैसे होती है। एक बार राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री थे राजस्थान में गए, कहते हैं उन्होंने एक ढेर देखा कि हरी मिर्च